Okay, so I hope previous part was clear to everyone. So now we can deal with power, depending on, we can also deal with heat energy required and other variables, depending on whether the power is constant or it's a variable. अगर वेरिएबल होगा आपको इंटीग्रेट कर देना है, और अगर कॉन्स्टेंट होगा देन इट्स फाइन, सिंपली मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट आ जाएगा. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट? सो दैट मेक्स सेंस. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू बेसिकली स्टडी कैलकुलेशंस रिलेटेड टू सेल. ठीक है, तो एक सेल क्या होता है हमें वो देखना है, और डिफरेंट डिफरेंट सेल के केस में, या फिर सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सर्किट में अगर यूज कर रहे हैं तो कैसे हमें करंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पावर एक्चुअली हमें मिलेगा, है ना. कंसिडरिंग सेल इज ऑल्सो इट्स नॉट आइडियल, राइट? तो आइडियल कुछ होता नहीं है, तो सेल का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, राइट? और यू कैन से बैटरी का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है. सो दैट वे वी नीड टू काउंट और कंसिडर ऑल दिस फैक्टर्स एंड सी कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से पूरे कहानी में, पूरी स्टोरी में क्या चेंजेस हम लोगों के आ रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज सेल, है ना. तो सेल बहुत सिंपल होता है. बेसिकली आपका एक छोटा सा बैटरी हो गया, एक बेसिक यूनिट ऑफ बैटरी हो गया, जिसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल एनर्जी यूज करके आप करंट प्रोड्यूस करेंगे, राइट? उसको यूज करके आप यू कैन प्रोड्यूस करंट. सो इट यूजेस केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर करंट प्रोड्यूस करने के यूज करते हैं, राइट? सो जनरली क्या अभी तक क्या हम लोग सेल को ऐसे दिखा रहे थे, सेल जो लूज सेंस में हम लोग बैटरी बोल सकते हैं, इस तरह से हम लोग जनरली दिखा रहे थे. बट ये पुराना पार्ट है ना, मतलब जो पहले पढ़ चुके हम लोग. अब जो सेल हम लोग कंसिडर करेंगे उसमें वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि ये आइडियल है या नहीं, राइट? सो आइडियल है इसका मतलब उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, यानी जस्ट इट विल प्रोवाइड सम पोटेंशियल, है ना. सेल क्या करेगा एसेंशियली आपका दो पॉइंट, ये सेल आपका, दिस इज व्हाट इज योर सेल, ठीक है. ये क्या करेगा एसेंशियली आपका दो पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी. नॉट नेसेसरी कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड्स, ठीक है, बट लेट्स अज्यूम इट टू बी कॉन्स्टेंट एज ऑफ नाउ. सो एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या ये आपको प्रोवाइड करेगा एज ऑफ नाउ, ठीक है. बट इसमें ये क्या आपका आइडियल सेल है ना, इसमें आपने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर किया, देखो, क्योंकि करंट तो क्या ऐसे फ्लो होना है, ये मान लो इस तरह से करंट का कुछ वैल्यू होगा. तो करंट अगर सेल से फ्लो हो रहा है तो सेल क्या है? मतलब एक मटेरियल ही है ना, मतलब कुछ मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन है, अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं उसमें, बट इवेंचुअली कोई रियल लाइफ, आई मीन कोई फिजिक्स, व्हाट आई कॉल, रियल लाइफ में जो आपको मटेरियल्स मिल रहे हैं ना, जो केमिकल्स मिल रहे हैं, आप उनको यूज कर रहे हैं. मतलब इसमें आइडियल कुछ नहीं मिलने वाला, होना चाहिए, राइट? सो वी कैन से कि आइडियल सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, बट एक्चुअली ऐसा आपको कुछ मिलेगा नहीं, है ना. आप अगर उसमें आप कार्बन रॉड यूज कर रहे हैं तो कार्बन रॉड, या फिर ग्रेफाइट रॉड आप यूज करें, इस इज अ वेरी, ग्रेफाइट रॉड इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. बट उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो. आप कोई केमिकल यूज कर रहे होंगे, राइट? आई फॉरगॉट द नेम ऑफ केमिकल्स विच इज यूज इन सेल. सो अगर आपको केमिकल यूज करें तो केमिकल के थ्रू करंट फ्लो होगा, आयंस मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपको वहां पर भी मिलेगा. तो ये आइडियल पिक्चर है, तो ये हमें ड्रॉ नहीं करना. अब हम लोग क्या करेंगे, सो आई वुड से दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये पुराना पार्ट था. करेक्ट तरीका जो होगा ड्रॉ करने का, सेल को दिखाने का, वो ये होगा कि बेसिकली आप एक बैटरी का शेप बनाते, सिंबल बनाते, एंड एक छोटा सा आप रेजिस्टेंस भी दिखाते. तो ये जो मैं डॉटेड लाइन्स को कवर कर दे रहा हूँ, ये जो डिजाइन है ना, इसको आप एक्चुअली सेल बोलेंगे. दिस इज योर वन सिंगल सेल, ठीक है, दिस इज वॉट विल कॉल एज सेल, ठीक है, ये आपका सेल हो गया. तो क्या मैंने शो किया है, सेल का कुछ EMF होगा, है ना. EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है वो अभी आगे आएगा. सो EMF होगा इस मोर लाइक बैटरी पे, जैसे आप कभी मार्केट में अगर आप बैटरी बाय करने जाओगे तो उस पर 3 वोल्ट या फिर 1.5 वोल्ट लिखा होता है, दैट इज योर EMF, ठीक है. सो दिस इज EMF, लेट्स से इसका E है, ठीक है. सो EMF वैल्यू गिवन होगा, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस को, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल आर से ही लिखो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल आर से हम लोग लिखते हैं, ठीक है. सो हियर E is basically EMF. EMF को basically electro motive force बोलते हैं, ठीक है. बट दिस इज नॉट फोर्स, ठीक है, उसका नाम है वो. तो आपको फोर्स नहीं समझ लेना है कि कोई फोर्स है ना, इट्स नॉट कैटेगरी ऑफ फोर्स, ठीक है, उसका नाम है वो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स.
एंड स्मॉल आर जो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हो गया, ठीक है, सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, ये सेल का खुद का रेजिस्टेंस, मतलब करंट कैसे भी फ्लो सेल्स हो ना, या तो आप सेल, सेल इज बेसिकली बैटरी, दिमाग में आता है सर को, ठीक है, वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ बैटरी को एक्चुअली सेल बोलते हैं, तो फिलहाल तो आप बैटरी समझो, तो बैटरी को अगर आपने कनेक्ट किया तो अगर आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो भी करंट बैटरी के थ्रू फ्लो होना है, राइट, या फिर आप बैटरी यूज कर रहे हैं, बैटरी आपको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्टिल करंट तो फ्लो होना है, तो अगर करंट फ्लो होना है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि करंट फ्लो होगा, बैटरी के कुछ रेजिस्टेंस है, तो आपको ये आर कंसिडर बार बार करना पड़ेगा, अभी तक हम लोग नहीं कर रहे थे, अभी तक हम लोग क्या, किसी ने बोला 10 वोल्ट का बैटरी है सर, वी यूज 10 वोल्ट, दैट्स सिंपल, लेकिन अब वैसा नहीं कर रहे, आपके आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी हर एक जगह जहां कहीं भी मेंशन होगा वो हमें फैक्टर वो भी कंसिडर करना है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस नाउ वी कैन नॉट इग्नोर, अब हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, ये राइट वाला डायग्राम क्यों रॉन्ग है, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस आपने मेंशन नहीं किया, इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, हर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इट कैन बी वेरी स्मॉल एंड इट कैन बी वेरी लार्ज वैल्यू, है ना, बड़ा, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट यस आपको वो कंसिडर करना है, दैट इज वाई वी आर स्टडिंग दिस पार्ट, है ना, सेल, तो एक बार फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं पहले, सो इट बेसिकली कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy. Chemistry में आपने पढ़ा होगा सेल के अंदर के आपके केमिकल्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं एंड उसकी वजह से एनोड पुल कैथोड दो अलग अलग एंड्स आपके बनते हैं जिसपे आप चार्ज काइंड ऑफ स्टोर करके रखते हैं या फिर चार्जेस का एग्रीगेशन है वहां पर चार्ज एक्यूमुलेट होके एंड अगर आपने किसी चीज से पाथ से किसी एक्सटर्नल पाथ सर्किट में कनेक्ट किया तो वो चार्ज मूव कराएगा एंड दैट इज हाउ योर करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ बैटरी, ठीक है, और इसका एक और डेफिनेशन सेल का जो मैंने आपको बोला कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक डिवाइस है जिसका काम ये कि अपने दोनों एंड पे ये जैसे ये मैंने एंड लिखा था ए बी अपने दोनों एंड पे क्या करेगा एक कॉन्स्टेंट फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा नॉट नेसेसरी ऑलवेज कॉन्स्टेंट कर पाएगा ये ना काफी बार एक्चुअली ये काफी कॉमन है एक्चुअली आप बैटरी मार्केट से बाय करके लाओ उसमें लिखा होगा 1.5 वोल्ट आप उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे वो आपको 1.45 देगा 1.4 भी दे सकता है कुछ दिन आपने यूज किया तो 1.2 वोल्ट देने लगेगा धीरे धीरे 0.9 वोल्ट हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद तो बैटरी यूजलेस हो जाएगा आपको बिल्कुल भी वोल्टेज डिफरेंस जो बैटरी के एंड से क्रॉस काफी कम नेग्लिजिबल मिलेगा यूजलेस हो जाएगा ठीक है सो इट्स वेरी कॉमन एक्चुअली बट स्टिल विल राइट इट सो वी कैन कॉल इट अ डिवाइस which maintains a constant potential difference across its terminals, ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं वी ए लिख देता हूँ और इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं वी बी लिख देता हूँ तो वी ए वी बी क्या हो गया आपका पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल हो गए ठीक है एंड वी ए माइनस वी बी विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस तो समझने की कोशिश करो बैटरी का वैसे आगे अगले पेज में आएगा इसमें हम लोग ई एम एफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस देखेंगे बट यू गॉट द पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेल के एंड्स जो है वो किस किस पोटेंशियल पर है उनका जो डिफरेंस आएगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है लेकिन बैटरी का रेटिंग क्या है बैटरी दैट विल डिस्कस लेटर ऑन बट बैटरी का जो रेटिंग है एज ऑफ नाउ विल अंडरस्टैंड इट एज रेटिंग सो रेटिंग क्या है कितने वोल्ट का एक्चुअली बैटरी है जैसे 3 वोल्ट प्रोवाइड करेगा बैटरी या 1.5 वोल्ट प्रोवाइड करेगा उसको ईएमएफ बोलते हैं आगे हम लोग देखेंगे कि ये लिखा रहेगा कि 1.5 वोल्ट का बैटरी बट वो 1.5 वोल्ट आपको क्यों नहीं कभी देगा नहीं एक्चुअली ना 1.5 वोल्ट लिखा रहेगा आप न्यू बैटरी भी आप 1.5 वोल्ट अगर उस पर मार्क किया हुआ है आप जैसे उसको ओपन करोगे सर्किट में कनेक्ट करो 1.5 वोल्ट वो आपको देगा ही नहीं इट विल बी ऑलवेज लेसर देन 1.5 वोल्ट 1.49 मिल सकता है 1.45 मिल सकता है 1.4 मिल सकता है बट 1.5 एग्जैक्ट नहीं मिलेगा सो दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट पेज पहले इसको नोट कर लेते हैं फिर अगले पेज पे डिस्कशन लेते हैं पास नोट करो किड्स
ओके सो आई गेस सबने नोट कर लिया। So let's try to understand the difference between EMF and potential difference. Rather, difference or you can say similarity. Okay. So EMF and potential difference में हमें समझना है कि actually दोनों क्या है, क्या चीज है, दोनों में क्या difference या फिर क्या similarity है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक सेल बना लिया हम लोगों, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, एंड इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स राइट इट एज वी। ठीक है, वी लिख रहा हूं मैं इसको। सो ईएमएफ को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करें और पोटेंशियल डिफरेंस को लेट्स से वी से रिप्रेजेंट करें इन दिस केस जो मैंने ड्रॉ किया। तो एक मैं जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एक ही तरह की चीज है। इनफैक्ट ईएमएफ क्या, पहले जमाने में लोगों ने उसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग दिया गलती से, बिकॉज उस टाइम पे लोगों को काफी कंफ्यूजन था फोर्स और एनर्जी के कॉन्सेप्ट में। सो पहले का नाम है, अब काफी फेमस हो चुका है, लोग यूज करते हैं, तो नोबडी बॉदर टू चेंज इट। सो ईएमएफ का नाम में फोर्स आ गया, दैट इज फाइन। सो ईएमएफ इज मोर लाइक पोटेंशियल, स्टडी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दोनों काइंड ऑफ सेम ही है। एंड ये डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू वर्क इन एनी कंपनी, आप किसी कंपनी में वर्क करेंगे, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सीटीसी। ठीक है, सीटीसी इज बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी इज बेसिकली उस एम्प्लॉय को हायर करके कंपनी का काम कराने में उस एम्प्लॉय को कितना पैसा एक्चुअली देना पड़ रहा है, कंपनी का हाथ से कितना कॉस्ट जा रहा है। ठीक है, सो जस्ट टू take some figure, let's assume it to be 50,000, ठीक है, 50,000 is very less, ये तो क्या गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे हम लोग, so 5 lakh consider कर लेते हैं, I think it's 5 lakh, no, कई दाई से क्लास ज़्यादा तो ज़रा 1 lakh, ज़्यादा हो गया तो कम कर देंगे उसको, so let's assume 5 lakh, 5 lakh CTC है ना, तो this is cost to company, लेकिन क्या इसका मतलब है कि जो employee है उसको 5 lakh मिल रहे हैं actually, अगर employee के हिसाब से देखें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इन हैंड सैलरी। ठीक है, तो इन हैंड का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय क्या है, सारा चीज कंसिडर कर रहा है ना, वो क्या क्या हटाएगा, टैक्स हटाएगा, है ना, आप जैसे मान लो रेंट है ना, रेंट भी आप हटाओगे। ठीक है, आपका कुछ गवर्नमेंट देखिए मेनी थिंग राइट, मतलब कार कॉस्ट भी हो सकता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी हो सकता है, देयर मल्टीपल कॉस्ट इन्वॉल्व, फोन बिल्स भी हो सकता है, सो ऑल सॉर्ट ऑफ वियर्ड बिल्स जो होते हैं आपके, वो सब हटा दो इसमें से। तो सारा कुछ रिमूव करने के बाद है ना, आप टैक्स का पार्ट हटाओ, रेंट हटाओ, बिल हटाओ, बहुत सारा कुछ हटाओगे, तो आपको रियलाइज होगा कि 5 lakh आपका सीटीसी है, बट एक्चुअली आपको जो मिल रहा है वो इन हैंड, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सो लेट्स से इट्स ओनली 4 lakh। ठीक है, सो दिस सीटीसी इज वॉट आई अंडरस्टैंड और यू शुड अंडरस्टैंड एज ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ क्या है आपका, केमिकल लेवल पे जो आपके केमिकल्स इन्वॉल्व है ना, केमिस्ट्री लेवल पे जो आपके केमिकल्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है, हर एक रिएक्शन का अपना एक, डिपेंडिंग ऑन किस किस कंपाउंड्स के बीच में आप या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में आप रिएक्शन करा रहे हैं, उनके बीच में एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में। लेकिन ये जो सीटीसी है ये तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं सर्किट में जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो अब क्या है, सेल के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास होगा। तो अभी पढ़ा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, पिछले यूनिट में पढ़ा हम लोगों ने कि जब इंटरनल किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू, नॉट जस्ट इंटरनल, किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू अगर आपका करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, हीट डिसिपेट होता है, एनर्जी लॉस हो रहा है ना, आपका एनर्जी लॉस होगा। तो जैसे यहाँ पे टैक्स के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, बिल के फॉर्म में, क्या आपका एनर्जी लॉस होना ही होना है। तो इवेंचुअली क्या होगा, ये सारा फैक्टर जब आप कंसिडर करते हैं तो फिर आपके सीटीसी और इनहैंड सैलरी में डिफरेंस आ जाता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक सबसे फेमस डेफिनेशन जो है ईएमएफ का वो ये है कि ईएमएफ जो है आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू हो गया जो आपको मिलेगा अगर आपने सेल, सेल का मतलब मेरे लिए बैटरी है, ठीक है, तुम्हारे लिए भी बैटरी होना चाहिए। सो ईएमएफ इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
विच यू विल गेट इफ यू डू नॉट कनेक्ट योर बैटरी टू सर्किट। ठीक है, अगर आपने बैटरी को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, बैटरी को अगर आप यूज कर ही नहीं रहे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। इट इज लाइक सेइंग कि सीटीसी है ना, फिर से सीटीसी पे आता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सीटीसी जो है वो पैसा हो गया, वो मनी हो गया जो आपको मिलेगा अगर आप किसी भी चीज में आप पैसा नहीं लगाते, आपने टैक्स नहीं दिया, रेंट नहीं दिया, बिल नहीं दिया, कुछ भी अगर नहीं दोगे तो आपको जो मिलेगा पैसा दैट इज सीटीसी 5 लाख। ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है कि आप जैसे ही बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा बैटरी के थ्रू। अब चाहे बैटरी चार्जिंग के लिए आपने लगाया हो या फिर बैटरी डिस्चार्जिंग के लिए लगाओ, इट डजंट मैटर, करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस से पास होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर पास होगा तो एनर्जी लॉस होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो टैक्स आपको देना पड़ेगा, आप उसमें टैक्स मतलब घोटाला नहीं कर सकते, आप उसमें रेंट तो आपको भरना पड़ेगा, बिल तो आपको भरना पड़ेगा, जो एक्सपेंसेस है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी सीडीसी 5 लाख है और हाथ में भी 5 लाख है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो दिस इज वॉट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्चुअली आपको मिलेगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सीटीसी तो क्या है, कंपनी ने कागज पर लिख के आपको दे दिया, लेकिन ईएमएफ क्या है, कंपनी ने आपको बैटरी पे लिख के दे दिया, ये 3 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, कहने का मतलब उसका ईएमएफ जो बैटरी का 3 वोल्ट है, विच मीन्स अगर एनर्जी लॉस नहीं हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी जो है वो आपको मिलना चाहिए 3 वोल्ट, लेकिन वो कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप जैसे ही सर्किट में कनेक्ट करेंगे करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, क्योंकि आइडियल बैटरी हवा में होती है ना, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं आइडियल बैटरी, ऐसा कुछ होता नहीं। सो बैटरी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उससे करंट फ्लो होगा तो एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होने के बाद जो बचेगा आपके पास उससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था, जितना बैटरी के ऊपर लिखा हुआ था, एंड दैट इज व्हाट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज ईएमएफ जो है इज अ वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन बैटरी इज नॉट इन यूज, बैटरी जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, लेट्स स्किप द डेफिनेशन पार्ट, है ना, ये आई थिंक बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नोट कर लो ना, डेफिनेशन भी लिखना है क्या, चैट पे रिप्लाई करो इफ एनीबडी वांट्स डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। नहीं, हम लोग कहीं भी कहीं पर भी हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर, इट्स जस्ट कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या धीरे धीरे समझना है, इसलिए पहले आपने बैटरी को आइडियल अज्यूम करके उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को आपने डिस्कस ही नहीं किया और आपने पढ़ा, आपको एक बेसिक नॉलेज आया। बेसिक नॉलेज आने के बाद क्या होगा, अब आपको बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडर करना है एंड थोड़ा और पढ़ना है, थोड़ा और आप पढ़ेंगे फिर आप इंजीनियरिंग लेवल पे जाएंगे तो फिर और कुछ फैक्टर्स होंगे जो आपको साथ में और कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये तो इट्स नॉट लाइक कि हम लोगों ने बैटरी में इग्नोर किया, सेल में इग्नोर, ऐसा कुछ नहीं है। सेल इज बेसिकली बैटरी, ठीक है, सेल क्या आपका बैटरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, सबसे बैटरी कैन बी बिग, है ना, या आपका जैसे आपने अगर मार्केट में बड़ा बैटरी देखा होगा आपने तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, 8 यूनिट्स 16 यूनिट्स कंबाइन करके वो एक पूरा पूरा एक बैटरी बोलते हैं, कुछ लोग उसको बैटरा भी बोलते हैं, सो काफी बड़ा सा रहता है। ठीक है, सो That is what is called battery. Cell क्या आपका सबसे छोटा एक battery का unit हो गया, that is what is called cell. तो हमारे लिए क्या है, cell and battery both are basically same thing, है ना, हमें उसमें confuse नहीं करना है। So battery हो या cell हो, internal resistance आपका रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ideal case scenario जैसा कुछ होता नहीं। तो पहले हम लोगों ने ideal case scenario, अब जो हम लोग पढ़े उसमें internal resistance भी पढ़ रहे हैं, internal resistance भी consider हमें करना है, so that now we understand better in a better way कि क्या फर्क उससे पड़ता है ना, क्योंकि कुछ तो फर्क पड़ रहा होगा अगर अगर हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर किया है। ठीक है, सो लेट्स राइट डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, ना फॉर्मेलिटी कर ही लेते हैं।
ठीक है. सो बेसिकली डेफिनेशन मैंने लिखा कि ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन तब जब बैटरी के थ्रू करंट नहीं फ्लो हो रहा. ठीक है, इसको भी ऐड कर दो. तो आपको हमेशा, और ये दो इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ भी इंपॉर्टेंट और पोटेंशियल डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है. कंपनी कितना सीटीसी दे रही है वो भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कंपनी को क्या पता कि आप किस में एक्सपेंस करोगे, कितना एक्सपेंस दोगे नहीं दोगे ना, वो उनका कंसर्न नहीं है. तो उन्होंने आपका एक सीटीसी बनाया, सो ईएमएफ कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बट एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉई है उसको काम करना है, तो उसको तो अपना फैमिली देखना है, सारे बिल्स भरने हैं उसको, तो उसको तो समझना पड़ेगा कि कंपनी ने तो इतना दिया बट इवेंचुअली मेरे हाथ में कितना आएगा, है ना, इन हैंड सैलरी, दैट ऑल्सो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड. सो यस, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है आपके, और दोनों काफी इंपॉर्टेंट. ईएमएफ भी आपको समझना है कि ईएमएफ क्या होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको समझना है कि क्या होता है, और दोनों का इंपॉर्टेंस. ऐसा नहीं कि कोई एक चीज जो है वो आपका यूजलेस है, ऐसा नहीं. इट्स मोर लाइक डिस्टेंस एंड वेलोसिटी. ठीक है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग चीजों में, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस है. कहीं पर डिस्टेंस का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कहीं पर वेलोसिटी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इट डिपेंड्स. सो बोथ आर इंपॉर्टेंट, वी नीड टू स्टडी बोथ. सो आई गेस ये बेसिक फंडा इज क्लियर. सो लेट्स जंप टू फ्यू मोर डिटेल्स. सो लेट्स कंसिडर थ्री केसेस. एक केस जो आप कंसिडर करें जिसमें कोई करेंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई करेंट ही फ्लो हो रहा है, एंड दिस इज योर सेल. सेल इज बेसिकली बैटरी. ठीक है, फॉर आवर सिंपलर अंडरस्टैंडिंग. सो ये आपका सेल है और इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है. ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ होगा, आई डोंट नो, वी ए. इसका पोटेंशियल कुछ होगा, वी बी लिख दिया मैंने. ठीक है, ई एम एफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर है. तो आप किरचॉफ्स लॉ जो हम लोगों ने मॉडिफाई करके बनाया था, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं. तो कैसे लिखोगे आप इसमें पोटेंशियल, कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ए से मान लो करंट इज डायरेक्शन, सॉरी करंट एक्चुअली फ्लो ही नहीं हो रहा है. सो लेट्स से आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, सो लेफ्ट से आप राइट जाओ, वी ए लिखोगे आप. ठीक है, लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है. ठीक है, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया. ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? वी ए. आपने बैटरी को क्रॉस किया, प्लस से माइनस जा रहे हैं आप, राइट? तो मतलब डिक्रीज हो रहा है ईएमएफ. तो क्या लिखोगे आप? माइनस ई. वैल्यू कितने से डिक्रीज होना चाहिए? ई से, अगर आप लेफ्ट टर्मिनल से राइट टर्मिनल आ रहे हैं. ठीक है, बट आपको स्मॉल आर को भी क्रॉस करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करना है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ? कि करंट फ्लो होगा तो लॉस होगा, लेकिन करंट ही नहीं फ्लो रहा है यहाँ पर. तो अगर आई इंटू आर लिखना है, आई इंटू आर होता है जनरली लॉस लिखते हैं हम लोग, है ना, बट मे बी आई राइट इट आई इंटू आर. ठीक है, इवेंचुअली क्या हुआ, आप बी पे पहुंच गए, लेकिन करंट का वैल्यू क्या है यहाँ पर? करंट का वैल्यू क्या है? जीरो है. बैटरी यूज ही नहीं हो रहा, बैटरी को यूज किया ही नहीं गया, ना बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, ना बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, ना करंट बैटरी दे रहा है, ना करंट बैटरी के थ्रू हम पास करा रहे हैं उसको चार्ज कर रहे, कुछ नहीं कर रहे. सो दैट मीन्स वी ए माइनस ई, और ये टर्म क्या आपका आई इंटू आर, आई जीरो, ये जीरो हो जाएगा. सो ये क्या होगा? वी बी होगा. इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? वी ए माइनस वी बी का वैल्यू ई आ रहा है ना. क्या मतलब इसका? पोटेंशियल डिफरेंस. वी ए माइनस वी वॉट? पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है? ई एम एफ के इक्वल आ रहा है. सो दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ठीक है, जस्ट वन मिनट किड्स. ओके, सो इस केस में क्या हो गया आपका? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है? ईएमएफ के इक्वल आ रहा है ना. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. एंड सेल किसको बोलते हैं? मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये जो पार्ट है ना इसको आप सेल बोलेंगे. दिस इज योर सेल. ठीक है, आई हैव राइटिंग. वेट करते हैं, इसको नोट कर लो ना. Meanwhile, let me just fix some issues there. दूसरा केस देख, दूसरे केस में क्या हो रहा है कि बैटरी हम लोग यूज कर रहे हैं, विच मीन्स बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है. ठीक है, बैटरी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं. सर्किट आप कैसा बन जाएगा? ये बैटरी हो गया,